हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब मस्त चल रहा होगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सामान्य लेकिन ज़रूरी विषय पर। दोस्तों, अगर आपका बेबी भी कार्टून चैनल देखता है और आप जानना चाहते हैं कि कार्टून चैनल देखने से आपके बेबी के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास पर कैसा असर पड़ता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आपसे विनती है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को अपने पारिवारिक मित्रों और उन मित्रों को ज़रूर शेयर करें जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। दोस्तों, अगर आप अपने बच्चे के लिए कुछ ऐसे डिवाइस या फिर वीडियो दिखाना चाहते हैं जो कि उनके मानसिक विकास में बहुत सकारात्मक मदद कर सकें, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। वहां पर चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बहुत ही शानदार गैजेट्स और ऑडियो वीडियोस के लिए लिंक भी दिए गए हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के आधुनिक समय में टीवी और मोबाइल बहुत ही आम और ज़रूरी से लगने वाले उपकरण हो गए हैं। हर हाथ में मोबाइल और हर घर में टीवी नॉर्मल बात है। मोबाइल और टीवी के जहां फ़ायदे बहुत हैं, वहीं नुकसान भी अनेक हैं। टीवी और मोबाइल इंटरनेट के ज़रिए खबर से लेकर मनोरंजन और ज्ञान तक सब कुछ मौजूद है, मगर क्या हम जानते हैं हमारे बच्चों में टीवी और मोबाइल से प्रोड्यूस होने वाले कंटेंट का कितना असर पड़ता है? शायद नहीं, मगर हमें समझना चाहिए कि बच्चों का दिमाग अभी लर्निंग स्टेज में होता है। वो जो देखते, सुनते और समझते हैं, उसी से लाइफ टाइम के लिए बहुत कुछ सीखते भी हैं। यानी कि उनकी आदतें और व्यवहार कैसा होगा, ये बात काफ़ी हद तक इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो टीवी और इंटरनेट पर क्या देख रहे हैं। हमने देखा है कि आजकल के बच्चे कार्टून चैनल बहुत ज़्यादा देखते हैं। खुद घरों में तो माता पिता अपने आराम के चक्कर में घंटों बच्चों को टीवी के सामने छोड़ देते हैं और बच्चे दिन भर कार्टून चैनल देखते रहते हैं, या फिर कुछ बच्चे मोबाइल से भी इंटरनेट के ज़रिए इस तरह के प्रोग्राम देखते रहते हैं। आइए जानते हैं इसका बच्चों पर किस तरह का नकारात्मक असर पड़ता है। शारीरिक विकास में बाधक। कार्टून चैनल देखने वाले बच्चे अक्सर घंटों टीवी से चिपके रहते हैं। इस कारण उनकी नज़र खराब होने का डर बना रहता है। साथ ही एक ही पोजीशन में लंबे समय तक बैठे रहने से उनके शरीर की बनावट भी प्रभावित होती है। अगर बच्चे अपना पूरा टाइम टीवी के सामने निकाल देते तो बाहर खेलने भी नहीं जा पाते हैं। इसकी वजह से बच्चों की शारीरिक गतिविधि कम हो जाती है और बच्चे स्फूर्तिवान नहीं हो पाते हैं। लंबे समय तक टीवी से चिपके रहने से बच्चों में मोटापा बढ़ने का भी खतरा रहता है। सेकंड पॉइंट, मानसिक विकास में बाधक। कार्टून देखने से बच्चे भी कार्टून के कलाकारों के हिसाब से बर्ताव करना शुरू कर देते हैं। कार्टून देखना बच्चों के सुचारू मानसिक विकास की प्राकृतिक प्रक्रिया को बाधित करता है। इससे बच्चे के मस्तिष्क का मल्टी डायमेंशनल विकास ना होकर उनका दिमाग एक निश्चित दिशा की तरफ विकसित होता है। अनेक अध्ययनों से पता चलता है कि कार्टून देखने की आदत से बच्चों की काल्पनिक शक्ति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वे वास्तविक विश्वास और वास्तविक जीवन से दूर हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट, भावनात्मक विकास में बाधक होना। कार्टून देखने से बच्चों के दिमाग में कार्टून के चरित्रों की छवि बनने लगती है और उनके चित्रांकन के हिसाब से ही उनका भावनात्मक विकास भी होने लगता है। अधिक समय टीवी और मोबाइल में बिताने की वजह से बच्चे अपने माता पिता और पारिवारिक परिवेश के कट जाते हैं। इससे उनमें अलगाव एवं उदासीनता नामक अवगुणों का विकास होने लगता है। अगर आपका बेबी भी लगातार टीवी या फिर मोबाइल में चिपका रहता है, तो आप उसे कुछ ऐसे डिवाइस लाकर दे सकते हैं जो कि पॉजिटिव कंटेंट से भरे होते हैं। आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ डिवाइसेस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं। फोर्थ पॉइंट, सामाजिक विकास में बाधक। ज़्यादा समय टीवी और मोबाइल में बिताने के कारण बच्चे घर से बाहर नहीं जा पाते।
वो खेलने नहीं जाते, दोस्तों से नहीं मिलते, उन्हें बाहर क्या हो रहा है इस बात का भी पता नहीं चलता। इससे अन्य सामाजिक गतिविधियों के बारे में उनकी समझ कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण बाद में उम्र भर उन्हें कई तरह की सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चों का सामाजिक विकास ना हो पाने के कारण उनमें ही भावना भर जाने का खतरा भी बना रहता है। फिफ्थ पॉइंट इज़ डिप्रेशन का खतरा। लगातार टीवी और मोबाइल के साथ चिपके रहने के कारण बच्चों का उनके स्कूल के काम में दिल नहीं लगता, साथ ही उनके अन्य ज़रूरी काम भी छूट जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें तनाव का सामना करना पड़ता है। यही तनाव बाद में बड़ा रूप लेकर हाइपरटेंशन बन जाता है। सिक्स पॉइंट, गलत तरीके से खाना खाने की आदत। कार्टून देखने वाले बच्चे अक्सर टीवी के सामने ही खाना खाने लगते हैं, जिससे बच्चों का तरीका गलत होने लगता है, खाने की तरफ ध्यान नहीं जा पाता, और ये स्वास्थ्य के लिहाज से बिल्कुल अच्छी आदत नहीं है। सेवेंथ वन इज़ बोलचाल की भाषा में गलत शब्दों का आ जाना। ये देखा गया है कि जो बच्चे ज़्यादा कार्टून देखते हैं उनकी बोलचाल की भाषा भी काफ़ी प्रभावित हो जाती है। आजकल अनेक ऐसे चैनल हैं जिनमें भाषा के स्तर का ध्यान नहीं रखा जाता, जिसके कारण बच्चों की सामान्य बोलचाल की भाषा में भी बहुत असामान्य और अभद्र शब्द भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, एक बार और आपको याद दिला देती हूँ, अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसे डिवाइस देना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसी वीडियोस दिखाना चाहते हैं जो कि उनके पॉजिटिव मानसिक विकास में मदद कर सके, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। वहाँ पर चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बहुत ही शानदार गैजेट्स और ऑडियो वीडियोस के लिए लिंक भी दिए गए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपसे निवेदन है कि ये वीडियो अपने उन पारिवारिक लोगों और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जिनके पास छोटे बच्चे हैं, ताकि वो भी अच्छे ज्ञान का लाभ उठा सकें।